Hello friends, welcome to English Short and today's topic is Gramlocks Part 13. Friends, Gramlocks start करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ that आप जब कभी भी मैं कोई न्यू चैप्टर नहीं डालती आप न्यू चैप्टर के लिए पूछ लेते हैं, पर इस बार मैंने Gramlocks का चैप्टर नहीं डाला। आपने इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा कि मैम Gramlocks पार्ट डालिए, Gramlocks क्यों नहीं डाला अब तक। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी जितना चैप्टर जितने इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं उतने ही या आप उससे ज़्यादा लगा लीजिए, Gramlocks उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको Gramlocks नहीं आते आप किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट नहीं कर सकते। अब कोई इतने बड़े बड़े वर्ड हैं उसकी आप कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे या उसका Gramlocks लिखेंगे, सो वहाँ पर आप Gramlocks यूज़ करेंगे इन वर्ड्स का जिनकी आउटलाइन हमारी लॉन्ग होती है, ठीक है। वहाँ पे हम शॉर्ट एंड में इसे शॉर्ट में लिखते हैं, उन्हें हम Gramlocks कहते हैं। सो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि जितना इम्पोर्टेंस आप चैप्टर को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस आप Gramlocks को भी दीजिए और Gramlocks की भी क्लास आप लीजिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो Gramlocks का चैप्टर आपको नहीं छोड़ना, और चैप्टर्स तो मैं करवा ही रही हूँ बट Gramlocks भी ज़रूरी है, ठीक है। सो ये हमारा 12 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके Gramlocks के। नेक्स्ट हमारा 13 पार्ट है जिसमें हमारा फर्स्ट Gramlocks है बैलेंस। ये वाले Gramlocks हमारे रिलेटेड हैं सर्कल और लूप फाइनल लूप से, ठीक है। सो ये हमारा Gramlocks होगा BL, ये N के साथ S, बैलेंस, ओके अबो द लाइन। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंस, सो ये होगा S सर्कल T NS स्टेंस, ओके। ये Gramlocks हमारा सर्कमस्टेंस पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरेंस, एल हुक डी के साथ एन एस डिलीवरेंस, ओके। सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट, इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आता है तो हमारी आउटलाइन क्या होगी, सर्कल एस एन जी स्ट्रोक, ये हमारा जी स्ट्रोक है, ओके। ये होगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफाई, सिग्निफाइड, ठीक है। बट अगर सिग्निफिकेंस आए एन एस तो हम क्या करेंगे, एस सर्कल जी एन हुक और एस सर्कल, ये एन हुक के साथ हमने एस सर्कल अटैच किया है, ठीक है। ये हमारा सिग्निफिकेंस रीड होगा, ये हमारा सिग्निफिकेंट रीड होगा, दोनों ही अबोव द लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपिनियन, सो इसकी आउटलाइन जो होगी एन और फाइनल एन हुक, ठीक है। ये हमारे कुछ Gramlocks हैं, इससे रिलेटेड हम सेंटेंस करेंगे, मेकिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ Gramlocks। सो ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू हैव ए लव ऑफ बुक्स यू विल फील नो लोनलीनेस, इफ़ यू हैव कैन बी अटैच, इफ यू को हम अटैच करेंगे, सो इसकी आउटलाइन क्या होगी, एफ एन यू, ये हमारा इफ़ यू रीड होगा, हैव हमारा Gramlocks है, टच द लाइन वी, ओके, ए Gramlocks है, लव एल वी सेकेंड प्लेस वोवल, लव ऑफ बुक्स बी के और ये सर्कल एस, ठीक है। अगर हम नीचे सर्कल लगाते तो वो एन एस पढ़ा जाता, सर्कल हमारा पहले है तो ये सिर्फ एस रीड होगा। बुक्स यू विल कैन बी अटैच, ये हमारा यू एल विल फील
एफ और एल फील नो लोनलीनेस सो इट शुड बी टच द लाइन एल एंड हुक अगेन एल एंड देन एन एस ये होगा हमारा लॉन ली नेस ठीक है और डॉट का हम कर देंगे क्रॉस सेंटेंस फिनिश ठीक है ये हमारे सेंटेंस नंबर वन हो गया सेकंड सेंटेंस इज द बैलेंस ऑफ एडवांटेज इन द चेंज इज लाइकली टू बी इन योर फेवर ओके सो आउटलाइन शुड बी द ग्रेमलॉग से हमारा डस द लाइन डार्क डॉट बैलेंस ग्रेमलॉग्स है इसी पार्ट में है तो ऐसा ही बना देंगे अबोव द लाइन बैलेंस ओके इट शुड बी अबोव द लाइन ऑफ बैलेंस ऑफ का टिक कर देंगे एडवांटेज शुड बी अबोव द लाइन डी और वी हुक एडवांटेज इन दी कैन बी अटैच ये होगा इन दी चेंज एन जे चेंज इज ग्रेमलॉग से हमारा सर्कल लाइकली आई अबोव द लाइन लाइक ली लाइकली टू बी कैन बी अटैच ग्रेमलॉग्स में हमने किया है सो ये होगा हमारा कट द लाइन टू बी इन योर सो इट शुड बी अबोव द लाइन सॉरी टच द लाइन इन योर फेवर ये होगा हमारा एफ ए और वर वी के साथ रुक लगाते हुए फेवर डॉट काम कर देंगे क्रॉस ओके सो यहाँ हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड फिनिश होता है फर्स्ट सेंटेंस हो गया सेकंड हो गया चलते हैं थर्ड सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस में मैंने यहाँ पहले से आउटलाइन लिखी है क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी अगर आपने ग्रेमलॉग्स को पार्ट देखे हैं तो उसमें मैंने बताया है कि बहुत बार एग्ज़ाम्स में आउटलाइन देते हैं और उसको कहते उसकी आपको आप ट्रांसलेट करेंगे उसे इंग्लिश में ठीक है सो इसीलिए मैं एक जो सेंटेंस है वो हमने आउटलाइन ली है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके सो ये हम रीड करते हैं ये हमारा टेस्ट लाइन टी है कोई वोवल नहीं है तो इट है एस सर्कल इट इज एस एस के बाद वोवल है ई सी एम एस सो ये हो गया इट सीम्स ये अटैच करके लिख रखा है सो ये होगा इट सीम्स इट सीम्स ओके इट सीम्स नेक्स्ट है ये हमारी टू की टिक है और ये हमारा हैव है और लास्ट में हमारा एन हुक लगा रखा है ये मैंने आपको बताया था कि फ्रेजियोग्राफी में भी हम एन वी हुक यूज़ कर सकते हैं ठीक है वी हुक तो हम कर्व्स पे यूज़ कर ही नहीं सकते हैं वी तो ये एन हुक ही पढ़ा जाएगा तो ये हो गया टू हैव टू हैव ए अबोव द लाइन है डॉट तो ए होगा ये है वी एस टी का लूप वास्ट ठीक है प्रिम प्री एम प्रिम वी वी एल वल सो ये हो गया प्रिम वल ओके फोर आर एस टी फोर ई सेकेंड प्लेस सो ये हो गया फॉरेस्ट फॉरेस्ट ये है हमारा एट दी टाइम
एट द टाइम ऑफ दी टिक लग गई, रोमा एंड हुक है और साथ में ए सर्कल रोमन्स, ठीक है। सो ये होगा हमारा एट द टाइम ऑफ द रोमन्स फॉरेस्ट, यहाँ लिख देती हूँ एट द टाइम, ये तीनों इसमें अटैच करके लिख रखे हैं एट द टाइम ऑफ द, अटैच करके लिख रखा है ये ऑफ की, ठीक है, दी की अपोजिट साइड रोमन्स। लास्ट में क्रॉस का कर देंगे डॉट, ठीक है। सो ये हमारी आउटलाइन है, ये आउटलाइन है और ये इसकी, इसका ट्रांसलेट किया है हमने इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द वेव्स ऑफ द सी कैरिड अवे प्रॉपरली प्रॉपर्टी, सॉरी, सो द वेव्स, देखिए टिक लगेगी वेव्स, वी और एस वेव्स ऑफ द, ये सेकंड प्लेस वोवल ए की साउंड है, ऑफ द कैन बी अटैच, साथ में सी को भी हम अटैच कर सकते हैं ऑफ द, और फिर सी, ठीक है, कैरिड के आर डी कैरिड अवे अवे, ये हमारा वे स्ट्रोक है, वे अवे प्रॉपर्टी, तो ये हो गया प्रो ओ फिर पी टी आर टी, ये हो गया प्रो, पहले वाला पी प्रो यहाँ तक, फिर पर ये होगा हमारा डॉट यहाँ आर टी आई प्रॉपर्टी, और डॉट को कर देंगे क्रॉस, सेंटेंस फिनिश। सो फ्रेंड्स, ग्रामरलॉक्स का चैप्टर्स फॉर पार्ट 13 हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। जैसा मैं पहले कह चुकी, मैं भी कह रही हूँ फ्रेंड्स, ग्रामरलॉक्स को लाइटली मत लीजिए। जैसे आप चैप्टर्स के लिए कहते हैं अपलोड करने के लिए, ग्रामरलॉक्स के लिए भी कहिए, क्या ग्रामरलॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं हर बार कहती हूँ ग्रामरलॉक्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ग्रामरलॉक्स इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामरलॉक्स नहीं आते, आप उसकी लंबी आउटलाइन बनाने में लगे रहोगे और आपका टाइम फिनिश हो जाएगा एग्ज़ाम्स का, और आप कंप्लीट आउटलाइन बना ही नहीं पाएंगे, आपकी आउटलाइन एक लाइन में ही रह जाएगी, ठीक है। सो ग्रामरलॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ग्रामरलॉक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ग्रामरलॉक्स को भी कीजिए, ग्रामरलॉक्स लाइटली मत लीजिए, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।